करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट फिश कौन सा है। आई एम श्योर आप में से 70% लोग कहेंगे कि मेरा फेवरेट फिश है पॉम्फ्रे। वो क्यों? क्योंकि दो चीजें उसको फेवरेट बनाती है लोगों का। एक है तो उसका टेस्ट एंड दूसरा कांटे बहुत कम होते हैं। बच्चे भी उसका खाना पसंद करते हैं, सुरमा भी लोग खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे पॉम्फ्रे फ्राई। इसमें मैं एक थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ जो आपको वीडियो के एंड तक दिख जाएगा। इसको बोन स्टाइल भी बोलते हैं दोस्तों। गोवा में बहुत ज्यादा फेमस है ये फ्राई। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको पता चले कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना प्यारा सा पॉम्फ्रे फ्राई, वो भी गोवन स्टाइल में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फिश को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे स्लिट मारने है ताकि हमारा मसाला अंदर से अच्छे से जाए, पक जाए। फ्लिंस को भी काट देना है एंड हमारा ये जो स्टमक है मैंने फाड़ लिया है, उसमें से सारा जो गंदगी है वो निकालना है बाहर। आँख भी उसके ऊपर से निकालना है, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, नहीं तो बहुत कड़वाहट आती है एक पॉम्फ्रे फिश में। सेम मैंने दूसरे पॉम्फ्रे के साथ किया है दोस्तों। अभी दोस्तों हम इसको सिंपल मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हल्दी, एक छोटा चम्मच मैंने लिया है, दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर मैं उसमें ले रहा हूँ रेड चिली पाउडर एक छोटा चम्मच। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से दोस्तों। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ एक बड़ा चम्मच ऑयल। अभी हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे दोस्तों अंदर से बाहर से, ताकि ये पूरा फिश टेंडर हो जाए। बहुत ही फिश डेलिकेट होते हैं तो कुक भी जल्दी होते हैं, इसलिए उसको मैरिनेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है। इसके लिए मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अभी करते स्टफिंग की तैयारी, बहुत ही सिंपल है। कोरिएंडर लिया है यहाँ पे मैंने, उसमें डाल देंगे हम जिंजर चॉप किया था एक छोटा। फिर हम डाल रहे हैं उसमें लहसुन। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ फ्राइड ओनियंस एक मीडियम साइज कट करके लिया था। फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ ड्राई कोकोनट दोस्तों एक मीडियम साइज था। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ फेनल सीड एंड ड्राई रेड चिलीज होल, उसको सोक करके डाला था। अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, एकदम थिक हमें चाहिए बिकॉज ये स्टफिंग उसके अंदर स्टफ कर रहा है। इसको रख देंगे अभी साइड में। तैयारी करेंगे हम बैटर की। इसके लिए मैंने 1/3 कप बेसन लिया है, उसमें मैं राइस फ्लावर डाल रहा हूँ ताकि एक क्रिस्पी बनाए। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ एक छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर दोस्तों। फिर सॉल्ट अपने टेस्ट के लिए। एक बड़ा चम्मच लाइम जूस इसमें ऐड करना है दोस्तों हमें। एंड फिर पानी डालना है 4 टेबल स्पून। आराम आराम से डालिएगा ताकि गुठलियाँ ना हो। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा, फिर मैं इसमें बचा हुआ पानी डाल के ले रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो बैटर है हमें ना ऐसा थिक करना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना दोस्तों। अभी हम ये स्टफिंग को इस फिश के अंदर स्टफ करते हैं अच्छी तरीके से। इसके पेट के अंदर पहले हम इसको अच्छे से स्टफ़ कर देंगे दोस्तों, कंजूसी नहीं करना है। सब तरफ से हमें अच्छे से इसको स्टफ़ करना है, सब जितने भी हमने स्लिट मारे थे उसमें ये स्टफिंग डालना है। ऊपर भी आँख का जो पार्ट है उसमें भी हम स्टफिंग भर देंगे दोस्तों। दूसरी साइड से भी हमें स्टफिंग भरना है, एक ही साइड से नहीं, तो दूसरे साइड में जो भी चीर हमने किया था उसमें भी हम भर देंगे दोस्तों। सिमिलरली हमें दूसरे फिश के लिए भी ऐसे ही करना है। इसको अभी साइड में रखते हैं, दूसरे फिश में भी हमें अच्छे से स्टफिंग उसको डालना है दोस्तों। एंड इसको अभी हम साइड में रख देंगे दोस्तों। अब देख सकते हो हमारे दोनों भी फिश एकदम से रेडी है। इसके ऊपर हम पोर करेंगे अभी बैटर, अच्छे से मसाज करेंगे बैटर ताकि हमारे जो फिश है ना अच्छे से कोट हो जाए। एक अच्छी कोटिंग है, अच्छी एक परत आती है उसके ऊपर हम जब फ्राई करते हैं इसको ऑयल में। दोनों को अच्छे तरह से लगा लेंगे एक साइड में, दूसरे साइड पे बाद में लगाना है, आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। अभी हमारा जो ऑयल है अच्छे से हॉट हो चुका है, इसमें अभी हम एक एक करके फिश डालेंगे एक साइड से। अभी जो बैटर दूसरे साइड से नहीं लगाया था अभी इसको लगाना है ताकि बैटर हमारा ना तेल में बिखरे ना। दूसरे साइड को भी हम रख देंगे फिश, सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है दोस्तों, ऊपर से अच्छे से कोटिंग लगाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड पे रखने के बाद दोस्तों हम इसको पलट देंगे। वाव, आप देख सकते हो कितना गोल्डन ब्राउन ऐसे फिश का कोटिंग हो गया है। दोनों फिश को टर्न अराउंड कर देंगे दोस्तों।
एंड इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि अंदर का स्टफिंग अच्छे से पक जाए। अब देख सकते हो दोस्तों हमारा फिश ऑलमोस्ट पक के रेडी है। इसको अभी साइड्स पलट देंगे, दोनों साइड से फिश अच्छे से फ्राई हो गया है। दूसरी साइड पलटने के बाद इसके ऊपर फिर से हम लीड लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ओपन करेंगे एंड हमारा ये जो फिश है रेडी है सर्व करने के लिए। इसको टिश्यू पेपर में निकाल के दोस्तों हम सर्व करेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पटाख से ये फिश खरीद के लाओ मार्केट से अगर लॉकडाउन नहीं है एंड बनाना इसको एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये रेसिपी कैसा हुआ था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक शानदार और दमदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी।